हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास सेकंड की हिंदी करवा रही हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट चार, ठीक है। पार्ट चार निकालिए, ये है बकरियों की समझदारी। इस पार्ट का क्या नाम है? बकरियों की समझदारी, है ना। ये कहानी है, इसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब इस पार्ट में क्या है वो बताया जा रहा है। इस पाठ में बताया गया है कि हमें हर कार्य समझदारी से करना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर किसी को अपना कार्य समझदारी के साथ में करना चाहिए। आपस में सहयोग करने से सब काम बन जाते हैं, इसलिए सदैव एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। मतलब हमें सबका सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। इस कविता में, एक कहानी में ये बताया गया है। अब मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनना और समझना। एक घना जंगल था, जंगल में एक बड़ा नाला भी था, है ना। एक जंगल था जिसमें क्या था, बड़ा सा नाला था। नाले के दोनों किनारों पर बहुत बड़ी घास थी। कहाँ, ये जो नाला है ना, दिखाई दे रहा है, इसके इधर भी घास थी, दोनों मतलब दोनों किनारों पर घास थी बड़ी बड़ी सी, है ना। वहीं पर दो बकरी भी रहती थी, वहीं पर दो बकरियां भी रहती थी। ये देखो, यहाँ दिखाई दे रही है। उनमें से एक लाल थी और दूसरी भूरी। देखो, एक लाल और एक भूरी। दोनों बकरियां रोज नाले पार पर घास चरने जाती थी, है ना। रोज कहाँ जाती थी? घास चरने। एक दिन की बात है, भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी, लाल बकरी दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई। भूरी बकरी घास खाते खाते दूर चली गई, है ना। एक दिन क्या हुआ कि जो भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी और लाल बकरी दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई, और भूरी बकरी घास खाते खाते बहुत दूर चली गई। रुककर उसने इधर उधर देखा, सोचा कि नाले के उस पार अच्छी घास है। देखते देखते वो कहाँ चली गई? नाले के उस पार। मुझे भी वहां चलकर घास खानी चाहिए। और वो कहाँ चली गई? नाले के उस पार चली गई। नाला गहरा था, जो नाला है ना बहुत गहरा था। भूरी बकरी नाले के किनारे चलने लगी, किनारे किनारे जाने लगी। एक स्थान पर नाले के ऊपर एक पेड़ पड़ा हुआ था। पेड़ के कारण नाले पर पुल सा बन गया था। ये देखो, दिखाई दे रहा है ना। बकरी उस पर चलकर पुल पार करने लगी, है ना। पेड़ के उस पे पुल जो बना हुआ था उस पे पार करके चली गई। जैसे ही भूरी बकरी पुल के बीच में पहुंची, तभी उसे मैमे की आवाज सुनाई दी। देखो, जैसे ही वो उस पे चली, उधर से उसको दूसरी साइड से मैं की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, सामने तो लाल कलर की बकरी खड़ी थी। देखो, इधर से ये जैसे इस पे चढ़ी तो इधर से देखा कि ये बकरी भी उसी पे खड़ी थी, और उसको आवाज सुनाई दी। देखा तो सामने लाल कलर की बकरी खड़ी थी। नेक्स्ट, बकरी भी आ रही थी। सामने से कौन आ रहा था? सामने से, ये देखिए, उसने देखा सामने से लाल कलर की बकरी आ रही थी। ये देखो, है ना, बकरी भी आ रही थी। भूरी बकरी ने उससे पूछा, बहन तुम कहाँ से आ रही हो? मतलब भूरी बकरी ने उससे पूछा, लाल वाली से, कि तुम कहाँ से आ रही हो? लाल बकरी ने कहा, मैं उस किनारे से वापस आ रही हूँ। मतलब वो दूसरे किनारे से घास चर के वापस जा रही थी। भूरी बकरी बोली, बहन ये पुल बहुत तंग है, है ना। भूरी बकरी ने क्या कहा कि ये पुल बहुत पतला है। इस पुल पर से हम दोनों एक साथ नहीं निकल सकते हैं ना, एक साथ में दोनों नहीं निकल सकते थे। लाल बकरी ने कहा, अब क्या करें, है ना। लाल बकरी पूछने लगी, अब क्या करें? लाल बकरी फिर कुछ सोच कर बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तो मेरे ऊपर से निकल जाओ। क्या बोली? कि मैं इस पुल के ऊपर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल के चले आना। भूरी बकरी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। मतलब दोनों बोलते कि दोनों एक एक बार बोलते कि हम बैठ जाते हैं और तुम हमारे ऊपर से निकल के चले जाओ। भूरी बकरी पुल पर बैठ गई। लाल बकरी ने धीरे धीरे अपने पांव ऊपर उठाए, उसने पांव भूरी बकरी पर रखे और धीरे से पुल पार करके चली गई, है ना, पार कर गई। उसके बाद भूरी बकरी उठ खड़ी हुई, वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई। इस प्रकार दोनों नाला पार करने में सफल हुई, है ना। ये देखो, इधर में आप देखे देना, ये देखो दोनों इस पे चढ़ गई थी। तो पहले इसने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से चले जाओ। तो भूरी बकरी ने कहा, नहीं मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से चले जाओ। तो ये बैठ जाती है और ये इसके ऊपर से चली जाती है, और फिर उसके बाद ये भी इस पार में आ जाती है।
तो इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे के साथ समझदारी किया, एक दूसरे की सहायता की और समझदारी दिखाई, तो जिससे दोनों अपने अपने कार्य में सफल हुए, है ना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बच्चों, मतलब इससे आपको क्या सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य को समझदारी से करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको आगे का जो शब्दार्थ है ये आपको कॉपी में करना है, और इसके जो बाकी के एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे हम पीडीएफ सेंड करेंगे, उससे आपको करना है। थैंक यू।